दोस्तों इस जड़ी बूटी को पहचान लीजिए, इसे घाव पत्ता भी कहते हैं, क्योंकि इस बूटी से घाव शीघ्र जल्दी से भर जाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में इसे वानर पूंछ भी कहा जाता है, तो कोई इसे सदाहरे भी कहते हैं। ये मनुष्य जीवन की कई बीमारियों को नेस्त नाबूद करती है। इस जड़ी बूटी को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये आपके आंगन में हो सकती है, आपके आसपास में हो सकती है, खेत खलिहान में खरपतवार के रूप में उत्पन्न हो सकती है, या सड़क के किनारों पर भी आप इसे आसानी से देख सकते हैं। यह शरीर में होने वाली सूजन, दर्द, घाव और कटे जले पर एक रामबाण औषधि है। संस्कृत विद्वानों ने इसे संधान करणी और व्रण रोपा कहा है, क्योंकि ये व्रण को जल्दी से भर देती है और कटे हुए त्वचा के स्थान पर इसे लगाने से ये शीघ्र जोड़ देती है। आम भाषा में इसे कुल्हड़कट्टा भी कहा जाता है। हिंदी में इसे सदाहरी, परदेशी लांगली और देसी संजीवनी बूटी कहते हैं। कहीं कहीं इसे पत्थर फोड़, पत्थरचूर और पाषाण भेद भी कहते हैं। इसके पत्रों में जीवाणुरोधी गुण पाए जाते हैं। दोस्तों इसके पुष्पों में कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। दोस्तों इस जड़ी बूटी को भृंगराज के स्थान पर भी उपयोग में लिया जाता है। दोस्तों ये पौधा लगभग सारे भारतवर्ष में पाया जाता है। देखिए इस प्रकार के इसके पत्र होते हैं और बहुत सुंदर हल्के पीले रंग के पुष्प होते हैं। दोस्तों ये अद्भुत जड़ी बूटी सदाबहार है, यह वर्ष भर हरी रहती है और बहुवर्षायु है। कोई इसे पीला भृंगराज भी कहते हैं। हालांकि ये पीला भृंगराज नहीं है, पीला भृंगराज का पौधा एक अलग होता है, लेकिन भृंगराज के विकल्प में इसका उपयोग भी किया जाता है। दोस्तों इसे परदेसी लांगली भी कहते हैं, क्योंकि ये पौधा लांगली यानी कलिहारी के समान चमत्कारिक होता है। इसका प्रयोग कटे जले के स्थान पर करने से जल्दी से फायदा होता है। वैसे तो इसके औषधीय कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं। घावों को शीघ्र भरती है, इसका पीड़ांतक तेल भी बनाया जाता है, दर्द चोट और मोच में इसका तेल लगाया जाता है और ये जल्दी से दूर भी होता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जड़ी बूटी प्लेटलेट्स को बढ़ाती है। जी हाँ दोस्तों, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियाँ होने पर प्लेटलेट्स घट जाते हैं। ऐसी अवस्था में इस जड़ी बूटी के पत्तों का ताज़ा रस निकालें और 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर और 2 चम्मच शाम खाली पेट कुछ दिनों तक लगातार पिए। ऐसा करने से जल्दी से प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं और ब्लड सेल्स भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। डेंगू हो जाने पर डॉक्टर प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए पपीता के पत्तों का रस सेवन करने का सुझाव मरीज को देते हैं। लेकिन जिनको पपीता के पत्ते न मिल सके, ये इस जड़ी बूटी का प्रयोग कर सकते हैं। ये वनस्पति बहुत ही सुलभ और आम है, ये सभी को आसानी से मिल जाती है। एक बार इसका प्रयोग करके जरूर देखें और लोगों को इसकी जानकारी शेयर करें। इस पौधे के ताजे रस और पत्तों का प्रयोग करने से डायबिटीज के घाव शीघ्र भर जाते हैं। दोस्तों ये पौधा बहुत चमत्कारिक है। यदि शरीर के किसी भी अंग पर चोट या किसी कारण रक्त बह रहा हो, तो इसके ताजे पत्तों को पीसकर प्रभावित स्थान पर रस लगाते हैं तो खून बहना तुरंत बंद हो जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का घाव हो जो भर न रहा हो, तो इसके पत्तों को पीसकर उस स्थान पर लगाने से घाव शीघ्र ही भरने लगता है। दोस्तों इस जड़ी बूटी के प्रयोग से एक तेल का निर्माण किया जाता है। दोस्तों इस चमत्कारिक तेल का निर्माण करने के लिए इस परदेसी लांगली के पत्तों को लांगली यानी कलिहारी के पत्तों के साथ समान मात्रा में मिलाकर सरसों के तेल के साथ धीमी आँच पर पकाए। जब पत्तियों का रंग काला हो जाए यानी जल जाए, तब ठंडा होने के बाद छानकर एक कांच की बोतल में भरकर रखें। अगर कलिहारी न मिले तो इसके साथ काले धतूरा के पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ सफेद कनेर के पत्तों को भी मिलाया जा सकता है, इससे तेल अधिक प्रभावशाली बनता है। इस तेल की मालिश करने से जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द और सभी प्रकार के मांसपेशियों में होने वाले दर्द में भी चमत्कारिक फायदा होता है।